टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा तलवार। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा ने वो कर दिखाया है जो कि अब तक किसी पुलिस अफसर ने नहीं किया होगा। आईपीएस अजय पाल शर्मा ने बलात्कारी नाजल को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। मामले पे अगर गौर किया जाए तो यूपी पुलिस विभाग के अब तक के हुए ज्यादातर एनकाउंटर में पैरों पर ही गोली मारा जाना अपने में ही एक सवाल है, और शायद अभी तक हुए यूपी सरकार के तमाम मुठभेड़ में एक समुदाय विशेष के लोग शामिल रहे जिसमें साफ तौर पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा मिली। इन मुठभेड़ों में गोकशी के मामले के आरोपी ज्यादातर सामने आए, हालांकि उसके बावजूद भी गोकशी के मामलों पर लगाम कसती नजर नहीं आई। बहरहाल योगी सरकार ऐसे संगीन मामलों पर सजग तो है, पर फिर भी आंकड़े दर्शाते हैं कि ऐसे मामलों पर रोक लगाने में सरकार कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है। एक तरफ इस प्रकार के एनकाउंटर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए उपलब्धि है, तो दूसरी तरफ गंभीरता से सोचा जाए तो स्थिति इससे काफी परे है। आपको बता दें कि मेरठ के जोन में पिछले एक हफ्ते में पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पिछले एक हफ्ते में 29 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 40 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक बदमाश मारा गया जबकि 24 बदमाश घायल हो गए, जिनमें से 20 बदमाश इनामी थे। इसके अलावा मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। शनिवार को यूपी के रामपुर में पुलिस और बलात्कारी नाजल के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बलात्कारी नाजल को 3 गोलियां लगी और वो घायल हो गया। नाजल पर 6 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है। शनिवार को पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया। पिछले काफी वक्त से यूपी पुलिस विभाग द्वारा सैकड़ों की तादाद में एनकाउंटर हुए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ था जो संदेह के दायरे में ना हो। योगी सरकार ने पुलिस के आला अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर घेरते हुए अपराधी वर्ग के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा एनकाउंटर के वक्त पैर और उसके आसपास के हिस्से में मारा जाना एक अलग सवाल है। अभी हाल ही के मामले पर गौर किया जाए तो यूपी के रामपुर की एक बच्ची करीब 1 महीने से लापता चल रही थी। ये बच्ची 6 मई को गायब हुई और उसका शव बरामद हुआ। सारे मामले पर रामपुर के एसएसपी अजयपाल शर्मा खुद नजर गड़ाए हुए थे। शनिवार को रामपुर के कप्तान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजयपाल शर्मा ने आरोपी नाजल का एनकाउंटर किया जिसमें नाजल बुरी तरह से घायल हो गया। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस अधिकारी ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए आरोपी को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि मुठभेड़ करते हुए उसके पैर में गोली भी मारी। लेकिन यूपी पुलिस के इस प्रकार के एनकाउंटर शुरू से ही सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। क्यों, इसका जवाब देंगे आपको अगली खबर में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सुझाव हो तो कॉमेंट में लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।